हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक सॉल्यूशन। अभी दोस्तों पीएफ रिलेटेड प्रॉब्लम से आप फॉर्म भरकर थक चुके हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, आपका करेक्शन नहीं हो रहा है, ग्रीवेंस डालकर थक चुके हैं, कंप्लेंट डालकर थक चुके हैं, कंपनी आपको परेशान कर रही है, आपका पीएफ ऑफिस नहीं सुन रहा है, आपका काम नहीं हो रहा है। दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा कि पीएफ के लिए आरटीआई कैसे डालेंगे बिल्कुल आसान तरीके के साथ। इससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, इससे मेरी नई वीडियो आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले कोई भी ब्राउजर ओपन कर लें और उसमें सर्च करें आरटीआई ऑनलाइन। इसके बाद हमारे सामने सेंटर फिर स्कूल क्या, जिसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट वेबसाइट rtionline.gov.in। RTI ऑनलाइन होम पे क्लिक करके हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद RTI ऑनलाइन वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट में होम, सेकंड में सबमिट रिक्वेस्ट। सबमिट रिक्वेस्ट पे हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इस इंटरफेस में RTI डालने का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसको केयरफुली पढ़ लें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद हम नीचे आएंगे, मार्क पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इस इंटरफेस में आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन RTI रिक्वेस्ट फॉर्म खुल चुका है। दोस्तों इसमें फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं सिलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एपेक्स बॉडी, इस पर सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। आप देख सकते हैं आपको जिस डिपार्टमेंट में कंप्लेन करना है या जानकारी लेना है उस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो बैक आएँ और सर्च पब्लिक अथॉरिटी में क्लिक करके यहाँ पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। दोस्तों हमें यहाँ पे पीएफ रिलेटेड कंप्लेन करना है, उसके लिए हम सर्च में ईपीएफओ एंटर करके सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे शो कर रहा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑप्शन को क्लिक करके हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ओके। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन में अपने आप सिलेक्ट हो गया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इस तरह आप सेकेंड ऑप्शन में भी देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन भी सिलेक्ट हो चुका है। इस फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करके आप देखेंगे कि यहाँ पे कई सारे ऑप्शन शो कर रहा है, लेकिन हमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पर ही कंप्लेंट डालना है, RTI डालना है, इसलिए हम इस ऑप्शन को ही सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। सेकेंड ऑप्शन पब्लिक अथॉरिटी पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि EPFO अपने आप सबमिट हो चुका है। इसके बाद हम नीचे आएंगे, पर्सनल डिटेल्स ऑफ RTI एप्लीकेंट, इसके बाद एप्लीकेंट का ईमेल आईडी एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद नीचे आएंगे और मोबाइल नंबर, एक वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे कन्फर्म ईमेल आईडी में दोबारा ईमेल आईडी एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, आप देख सकते हैं नेम, अपना नेम एंटर करिए। एंटर करने के बाद नीचे आएंगे जेंडर, जेंडर को सिलेक्ट करिए। इसके बाद एड्रेस, यहाँ पे अपना वैलिड एड्रेस एंटर करेंगे डिस्ट्रिक्ट के साथ। उसके बाद पिन कोड, पिन कोड एंटर करने के बाद आएंगे नीचे। इसके बाद आप देख रहे हैं कंट्री, कंट्री में इंडिया पहले सिलेक्ट है। उसके बाद नीचे आएंगे स्टेट, सिलेक्ट पे क्लिक करके अपना स्टेट को चुन लीजिए, आप जिस भी स्टेट के हों उसको सिलेक्ट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेटस, रूलर है तो रूलर, अर्बन है तो अर्बन ऑप्शन को उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद हम नीचे आएंगे एजुकेशन स्टेटस, इसमें दो ऑप्शन शो कर रहा है, अगर आप लिटरेट हैं पढ़े लिखे हैं तो लिटरेट को चुनिए और अनपढ़ हैं तो इलिटरेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं लिटरेट हूँ तो लिटरेट पर क्लिक करके अपनी डिग्री के अनुसार यहाँ पर ग्रेजुएशन वगैरह जो भी है ट्वेल्थ वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम नीचे आएंगे और फ़ोन नंबर, अपना कोई भी फ़ोन नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर रिक्वेस्ट डिटेल शो कर रहा है, सिटीजनशिप के सामने आप देख रहे हैं इंडियन शो कर रहा है। इंडियन पर क्लिक करेंगे तो अदर ऑप्शन है, लेकिन हमें यहाँ पर इंडियन ही लेना है। इंडियन सेलेक्ट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम नीचे आएंगे, आप देख रहे हैं इज द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन। दोस्तों इसका मतलब यह है कि आप गरीबी रेखा में हैं या नहीं, यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आप गरीबी रेखा में नहीं है तो नो पे क्लिक करिए, अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हैं तो यस पे क्लिक करिए। यस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 10 रुपीज़ फीस नहीं लगेगा। दोस्तों इसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन खुल गया है बीपीएल कार्ड नंबर, इसमें अपना बीपीएल कार्ड नंबर एंटर करिए। सेकेंड में ईयर ऑफ द इशू और थर्ड में इशू अथॉरिटी। दोस्तों अगर आप बीपीएल कार्ड डिटेल देते हैं तो आपका कोई फीस नहीं लगेगा, अगर नहीं देते तो आपको यहाँ पे 10 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। दोस्तों मेरे पास बीपीएल कार्ड नहीं है इसलिए मैं सिलेक्ट पे क्लिक करके नो ऑप्शन को लूँगा। दोस्तों इसके बाद हम नीचे आएंगे, आपका जो भी कंप्लेन है, जो भी शिकायत है, किसी चीज़ की जानकारी है वैसा मैटर यहाँ पे लिखें। दोस्तों हमारा कंप्लेन पीएफ रिलेटेड है, इसलिए जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उस टाइप से एप्लीकेशन तैयार कर ले। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि पीएफ के जो भी आपका प्रॉब्लम है उसके लिए आप प्रोसेस कर चुके हैं लेकिन आपका नहीं सॉल्व हो रहा है, आपका कोई नहीं सुन रहा है, तब आप जाके EPFO में RTI डाल सकते हैं। दोस्तों जो भी प्रोसेस है उसको पहले करें, फिर उसके बाद ही RTI डालें अपने एप्लीकेशन को कॉपी पेस्ट करने के बाद। दोस्तों इसके बाद हम नीचे आएंगे और चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। यहाँ पे आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड अपलोड नहीं करना है, कंप्लेन संबंधी कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना है जो कि PDF फॉर्म में होना चाहिए। मैं यहाँ पे मेल किया था और कंप्लेन नंबर है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद हम नीचे आएंगे, इंटर सिक्योरिटी कोड, इस कोड को यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करके हम 10 रुपये पेमेंट करेंगे। इसके बाद हमारे सामने कैसा इंटरफेस खुल के आएगा, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेमेंट मोड लिखा हुआ है, मार्क पे क्लिक करके हम पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद पेमेंट गेटवे पे क्लिक करेंगे,
इसके बाद नीचे पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों SBI पेमेंट पेज है, लेकिन आप कोई भी ऑप्शन लेकर किसी भी बैंक से यहाँ पे कर सकते हैं। नीचे में UPI भी दिया है, UPI से भी पे कर सकते हैं। दोस्तों पेमेंट करने के बाद आपका पूरा डिटेल यहाँ पे शो कर आप देख सकते हैं। नीचे में कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है, इस पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं। नीचे दिए हुए सेव या प्रिंट पे क्लिक करके आप PDF फाइल को सेव कर सकते हैं। दोस्तों सरकारी कानून के तहत आपको 30 दिन के अंदर जवाब मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे मेरी नई वीडियो आपको मिलती रहे।